दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन अपडेट देने वाला हूं, जो अपडेट है स्वयं सहायता समूह के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब बाल विकास व पुष्टाहार विभाग ने परिवहन भत्ता देने का फैसला लिया है। दोस्तों स्वयं सहायता समूहों को अब मिलेगा पोषाहार पहुँचाने का भत्ता। दोस्तों आपको क्या लगता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवंटित किए हुए सभी कामों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन उनका भी कुछ आने जाने का खर्चा बनता है, उनका भी कुछ परिवहन भत्ता बनता है, क्या उस चीज़ को सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साथ बैंकिंग का स्टूडेंट सखी बहनों के लिए एक गुड न्यूज़ आया है, जो गुड न्यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों स्वयं सहायता समूहों ने यदि पोषाहार की उठान नहीं की तो इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की जाएगी। जिलों में SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित इस तरह की शिकायतों का हल अब CDO चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर करेंगे। वहीं SHG को खाद्य सामग्रियों की उठान के लिए परिवहन का पैसा भी दिया जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह को खाद्य सामग्रियों की उठान के लिए परिवहन का पैसा भी दिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में लगभग 1.59 करोड़ लाभार्थियों को पोषाहार के रूप में सूखा राशन दिया जा रहा है। दरअसल पोषाहार वितरण में बाल विकास व पोषाहार विभाग के अलावा खाद्य व रसद विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, नैफेड आदि की भी भूमिका है। लिहाजा अब नए सिरे से अंतर विभागीय समन्वय के साथ SOP जारी की गई है। पोषाहार वितरण का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया था, लेकिन कई जिलों में शिकायत आ रही कि वहां से दाल या गेहूं, दलिया, तेल, दाल की उठान नहीं हो रही है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो के अंत में एक सीक्रेट बताऊँगा कि पोषाहार पहुँचाने के लिए कितना परिवहन भत्ता आपको मिलेगा, क्या वो हज़ारों में हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों अब सभी विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यदि नैफेड की आपूर्ति के एक हफ्ते के अंदर स्वयं सहायता समूह ने उठान नहीं की तो इसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी से की जाएगी। UPSRLM उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन हर महीने जिलेवार रिपोर्ट ICDS को भेजेंगे। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं पर स्वयं सहायता समूह नैफेड द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं, तेल व दाल की पैकिंग कर आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों आप सोचिए, सोचने वाली बात, अगर आपको आपके काम करने के एवज में पैसा नहीं दिया जाएगा तो क्या आप काम करेंगे। दोस्तों किसी भी घर में, किसी भी संस्था में या किसी भी सरकारी नौकरी में आप देख लीजिए, अगर उसके एवज में आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या आप काम को उतनी ही दिल लगा के, दिमाग लगा कर करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में पैकेट लेकर जाने में उन्हें अपनी तरफ से किराया देना पड़ रहा था। अब बाल विकास व पुष्टाहार विभाग इन्हें परिवहन का पैसा भी देगा। इसका पैसा लाभार्थी वार तय किया जाएगा, यानी जिस तरीके से जो भी स्वयं सहायता समूह की महिला कितना राशन लेके जा रही, कितना पोषाहार ले जा रही, उन सभी का महंगाई भत्ता, उन सभी को पहुंचाने का परिवहन भत्ता भी उन स्वयं सहायता समूह को अब मिलेगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पोषाहार पहुंचाने के लिए किस आधार पर परिवहन भत्ते को तय किया गया है। जी हां दोस्तों, किस तरीके से परिवहन भत्ते को तय किया गया है। दोस्तों लाभार्थी की श्रेणी 3 महीने से 3 वर्ष के बच्चे 25 किलोमीटर के अंदर 11.25 रुपये, 25 से 50 किलोमीटर के अंदर 15 रुपये, 0 किलोमीटर से ऊपर 18.75 रुपये। दोस्तों 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे 6 रुपये, 25 से 50 किलोमीटर 6.5 रुपये, 0 किलोमीटर से ऊपर 7 रुपये। गर्भवती व धात्री महिलाएं 15 रुपये 25 किलोमीटर के अंदर, 25 से 50 किलोमीटर 17.5 रुपये,
या 50 किलोमीटर से ऊपर 20 रुपये। दोस्तों इससे पहले जो मैंने बताया 18 रुपये, 75 पैसे और 7 रुपये, वो आपको 50 किलोमीटर से ऊपर का रेट है। दोस्तों अगर अति कुपोषित बच्चे के लिए आप पोषाहार दे रहे हैं, अगर 25 किलोमीटर के अंदर ले जाएंगे आपको तो 20 रुपये मिलेंगे, 25 से 50 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं 22.5 रुपये मिलेंगे और 50 किलोमीटर से ऊपर ले जा रहे हैं 25 रुपये मिलेगा। उसी तरीके से अगर किशोरी बालिकाओं के लिए ले जा रहे हैं 25 किलोमीटर के अंदर है तो 15 रुपये, 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर 17.5 रुपये और 50 किलोमीटर से ऊपर हैं तो 20 रुपये का परिवहन भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों यह परिवहन भत्ता प्रति लाभार्थी प्रति माह दिया जाएगा, यानी अगर आपके स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य ये काम कर रही हैं तो उनको एक सदस्य को हर महीने आपको जितनी बार आप जाएंगे उतने में जाने का आपको, मान लीजिए 3 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए ले जाने 11.25 रुपये 25 किलोमीटर के अंदर जाने का 11.25 रुपये और प्लस आने का भी आपको 11.25 रुपये मिलेगा। अगर आप दिन में 2 बार जाते हैं तो इसको डबल कर लीजिए, अगर आप दिन में 3 बार जाते हैं तो इसको आप 3 गुना कर लीजिए। तो इसी चीज़ को जानते हुए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में लाया हूँ किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है और अब बाल विकास व पुष्टाहार विभाग ने परिवहन भत्ता देने का फैसला लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं आपको डिटेल बताया हूँ ये डिटेल समाचार पत्र और उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल से निकाला गया जानकारी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियो को लाइक करते मुझे मोटिवेशन मिलता ताकि मैं इस तरीके का वीडियो आप लोगों तक ला सकूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।